कौन सी क्लास में पढ़ती हो अलवाज? इस क्लास में पढ़ती हो, ये आपकी क्लास है। भाई मिस के ही दौरान मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब इसको जो है ना टेस्ट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ये हमारे सब अपने बच्चे हैं। अच्छा। कोई परेशानी नहीं है। ये इतने सारे बच्चों को मैनेज कैसे करती हैं आप? कर लेती हूँ इंशाल्लाह, दिमाग के अंदर फिट रखती हूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे साथ ये बड़े प्यारे प्यारे मासूम से रंग बिरंगे बच्चे जो हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज का दिन जो इनकी खुशी का दिन है और इनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़बरदस्त हुई है आज। तो चलें पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसलान जब्बार और आपको खुशामदीद कहते हैं आज की नई वीडियो में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन के इलाके सेक्टर 11.5 में SM हफीज़ुर्रहमान स्कूल के बाहर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस स्कूल में स्टूडेंट वीक के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ को रखा गया है। बच्चों के लिए मैजिक शो और मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स और फूड मेला, बहुत बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर मौजूद हैं। इसका मकसद ये होता है कि जिस तरह बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटी कराने का मकसद ये होता है कि उनका जहन फ्रेश हो, उनका माइंड फ्रेश हो और वो बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सकें। तो आए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि अंदर किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपको दिखाते हैं और स्टूडेंट से भी बात करेंगे और मुख्तलिफ़ टीचर से भी बात करेंगे। तो चलें चलते हैं। जी तो नाज़रीन, मैं स्कूल के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसामा, अगर आप दिखाएँ तो यहाँ पर जो है इस तरह के जो फूड आइटम लगे हुए हैं, फूड स्टॉल लगे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों के। ये है गुड़िया का बाल, जो आप पहला स्टेप देख रहे हैं इसको कहते हैं गुड़िया का बाल और ये बहुत ही मशहूर है बच्चों में, ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आए चले चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा करीब से दिखाओ उसको, जी तो आप ये देख सकते हैं इस तरह ये बनता है गुड़िया का बाल और ये बहुत ही फेमस है और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। ये देखें, मोहम्मद रफीक भाई ये बताइए कि आप ये जो बना रहे हैं ये क्या चीज़ से बन रहा है? सर ये चीनी से बन रहा है और हल्का सा इसमें फ्रूट कलर मिलाया जाता है, सही है, वो उससे ये तैयार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अरे सलाम जी सर। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन शफी परदेशी। क्या नाम है दोबारा बताइए? मोहम्मद शफी परदेशी। अच्छा जी, बाबा ये बताएं कि आप यहाँ पर, आपके यहाँ पे किस किस चीज़ का प्रोग्राम आपने यहाँ पे मैनेज किया है? ये सर जी मैंने सारा चेयरमैन जितना भी है मैंने किया, समझ में आया, झूले तक जो है सारा ये पूरे स्कूल का अरेंजमेंट मैंने किया। सबसे पहले मुझे ये बताइए आपकी एज क्या? मेरी एज, ये मेरी एज मतलब 73 साल। तो 73 साल में ये जो आप इतने फिट हैं इसका क्या राज आके? ये अल्लाह का बड़ा करम है सर, एक दिन मैं 5 टाइम अपनी नमाज पढ़ता हूँ, दूसरा टाइम पे खाना खाता हूँ, टाइम पे सोता हूँ, टाइम से उठता हूँ। बेहतरीन काम है ये वाला, सही काम है, बच्चों को खुश है। आप कहना चाह रहे चाय से बेहतरीन काम ये? ये सही है, बच्चा का राजे, बच्चा खुशहाल है। क्या क्या चीज़ जलती है इसमें? क्या क्या चीज़ जलती है इसके अंदर? गुड़िया का बाल चलती है। गुड़िया का बाल? कौन सी गुड़िया का बाल? वो जो बाजार में मिलता है वो गुड़िया का बाल लाके मशीन में बना दिया। जी भाई ये हमारी प्लेट तैयार हो रही है और आप देख सकते हैं भाई ये मीठी चटनी है, ये स्पाइसी चटनी और अंदर से भी आपको आवाज़ आ रही होगी बम बम भोले की और बम बम भोले के साथ जो है हम चाट का भी मज़ा लेंगे। भाई ये जो है चाट की प्लेट हमारी तैयार हो गई है और मैं आपको दिखाऊंगा। भाई ये चाट जो है अब हमारे पास आ चुका है और ये 50 वाली चाट आप देखें, थोड़ा करीब से दिखा भाई ताकि पब्लिक देखे। भाई ये चाट देखें, ये 50 वाली चाट है और अगर आप मटेरियल देखें तो तादाद भी इसकी बड़ी अच्छी है और देखने में भी बड़ा डिलीशियस और बड़ा स्पाइसी सा लग रहा है। तो अब हम इसको जाएँगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि भाई ये कैसा है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। अच्छा, इनका जो सर्व करने का तरीका है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, एक छोटा सा स्पून दिया हुआ है और डिस्पोजेबल प्लेट है। तो इसको हम चेक करेंगे और मिक्स कर लूँ पहले मैं।
भाई मिस के ही दौरान मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब इसको जो है ना टेस्ट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, तो मैं इसको अच्छी तरह मिस कर लेता हूँ ताकि टेस्ट का जो मज़ा है वो दुबला हो जाए। तो ये देखें हम इसको अब मिला कर अब मैं इसको जो हूँ टेस्ट करने वाला हूँ। भाई बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिलीशियस का टेस्ट है, और अगर बात की जाए स्पाइसी की तो बहुत स्पाइसी है ये, और इसका जो मसाला है वो अलग ही टाइप का मसाला दे रहा है। अब ये देखें भाई ज़बरदस्त मज़ा आ गया, मुझे तो मज़ा आ गया, बहुत डिलीशियस। और मैं जो हूँ अब इसको रुकने वाला नहीं हूँ, मैं इसको ख़त्म करके छोड़ूँगा भाई। जगह जगह पे बच्चे खड़े हुए हैं, जहाँ नज़रें जा रही हैं वहाँ बच्चे हैं। तो ये आप देख सकते हैं भाई, ये भाई जो हैं फ्राइज़ को इस तरह छोटी छोटी प्लेटों पे और इस तरह तकसीम कर रहे हैं। देखने तो भाई ये बहुत टेस्टी लग रहा है, बाकी तो मैं भी ज़रा चख के देखूँगा भाई किस तरह तैयार कर रहे हैं और क्या क्या जाएगा, कौन सा मसाला यूज़ कर रहे हैं भाई। तो इनसे भी बात करते हैं, अभी बड़े मसरूफ़ हैं और बच्चों का एक रश लगा हुआ है। उसामा थोड़ा बच्चों को दिखाओ, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, ये डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको समझाना भी और उनके लिए मैनेज करना, जैसे आप मैनेज कर रहे थे छोटे छोटे प्लेटों पे ये फ्राइज़ अलग अलग करके, तो किस तरह लग रहा है, क्या कोई परेशानी पेश आ रही है या आप इंजॉय कर रहे हैं? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन बच्चे हैं छोटे, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जा रहा है। काफ़ी डिफिकल्ट डिस्पोजेबल बच्चे हैं, समझ जाते हैं चीज़ों को, टीचर्स गाइड कर रही हैं। तो ये आपका अपना पूरा सेटअप है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी शॉप भी है। चलें अगर कोई इस वीडियो के तवस्सुत से अगर आपसे कोई रابطہ करना चाहें तो आप नाज़रीन को अपना नंबर बता सकते हैं ताकि कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आसानी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, माय कांटेक्ट नंबर नोट कर लें 03118450992। जी तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए टोकन राइड्स का इंतज़ाम किया गया। आए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है बच्चों का रश लगा हुआ है, जगह जगह पे बच्चे खड़े हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ क्या हो रहा है, आ जाओ। ये देखो ये भी बच्चा बड़ा मस्त होकर बैठा हुआ है झूले पर, और आगे देखो उस बच्ची को दिखाओ, इधर आओ, आ गया आओ, आ गया आओ। भाई एक प्यारी सी बच्ची जो है हमारे साथ मौजूद है और ये बड़े मज़े से ये जो है चांद गाड़ी, इसको कहते हैं चांद गाड़ी, ये चांद गाड़ी में बड़े मज़े से इंजॉय कर रही है। और आप ये देखें बेटा कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है? क्या नाम है भाई? यहाँ क्या हो रहा है आप देखें, यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे हैं, हर तरफ बच्चे, और बच्चे बड़े इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। आप ये देखें बच्चों की एक्टिविटी और ये राइड्स हैं, बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और हर तरफ जहाँ जहाँ निगाह जा रही है वहाँ वहाँ बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखें मासूम से प्यारे प्यारे रंग बिरंगे बच्चे, बच्चे जो हैं यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और ये एक गेम खेल रहे हैं। आइए देखते हैं यह गेम है क्या आखिर। भाई एक टोकरी पे जो है कुछ बॉल्स रखे हुए हैं और उस बॉल्स को बच्चे जल्द से जल्द उठाकर और उस बॉक्स में डाल लें। अगर आप दिखाएँ उबैद थोड़ा आगे आइए और दिखाइए, ये इस तरह की बच्चों की जो एक्टिविटी है वो आजकल बहुत ज़रूरी है और होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है इनका। तो आप देखें बच्चों की मुख्तलिफ जी। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही ख़ास इंसान के पास, जिनकी मेहनत के बगैर ये प्रोग्राम जो है वो नामुमकिन सी बात थी। इनका जो काम है वो बेसिकली बहुत ही मेहनत वाला और बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला काम है, और ये हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे से एक आंटी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आंटी आप? सरवरी। सरवरी आंटी ये बताइए आप यहाँ पे क्या करती हैं? मैं बुआ का काम करती हूँ, 15 साल से नीचे डोर पे थी, अभी ऊपर डोर पे चली गई हूँ मैं, ऊपर का संभाल रही हूँ बच्चों को। अच्छा ये जो आप बच्चों को संभालती हैं, माशाल्लाह से बड़े बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और आज का जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे तो एक साथ सारे बच्चे आ गए हैं, तो क्या मतलब आपको कोई परेशानी पेश आती है और आप जो जिम्मेदारी? परेशानी नहीं, ये हमारे सब अपने बच्चे हैं। अच्छा। कोई परेशानी नहीं है, मतलब ये भी चाहिए, परेशानी दूर करना चाहिए बच्चों के साथ। मतलब ये भी एक बड़ा मेहनत का काम होता है कि इतने सारे बच्चों को मैनेज कैसे करती हैं आप? कर लेती हूँ इंशाल्लाह, दिमाग के अंदर फिट रखती हूँ। तंग तो नहीं होती, परेशान तो नहीं होती? कोई परेशानी नहीं है। गुस्सा तो नहीं करती बच्चों को? कुछ भी नहीं भाई। ये देखें बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये मैनेज करती हैं। नहीं नहीं बहुत ज़बरदस्त मेहनत करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, पेरेंट्स लोग भी मुझसे बहुत खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।
नाजी मेरे साथ एक बड़ी मासूम सी बच्ची बैठी हुई है और इनसे बात करते हैं। बड़ी शर्मीली लग रही है, बड़ी शर्मा रही है और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका बेटा? नाम क्या है? अलवास। क्या नाम है? अलवास। कौन सी क्लास में पढ़ती है अलवास? इस क्लास में पढ़ती है। ये आपकी क्लास है भाई? बच्चों में रहने में जो मज़ा है ना, कभी कभी इंसान जो है ना वो बच्चा बन जाता है। तो बड़ा मज़ेदार एक ये व्लॉग होगा आपके लिए और बच्चों में जो है अलग ही मज़ा है। तो आइए बच्चों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बॉस? हिबा। क्या नाम है? हिबा। हिबा, हिबा कौन सी क्लास में? आप भी इस वाली क्लास में पढ़ती हो? भाई इसका भी बड़ा मासूमाना सा जवाब है। मैंने पूछा कौन सी क्लास में, तो बच्ची कह रही है मैं सामने वाली क्लास में पढ़ती हूँ। तो ये बताएं क्या कर रही हो? एंजॉय कर रही हो? मज़ा आ रहा है यहाँ पे? झूला झूली हो? कुछ खाई हो? क्या खाई हो? क्या खाई हो? कुछ नहीं खाई। क्या खाई हो? आलू का भुजिया। और क्या खाई हो? और क्या खाई हो भाई? ये बराबर है मासूम सी बच्ची है। चिप्स खाइए। और गोलगप्पे? गोलगप्पे नहीं खाए आप? खानी है? नहीं खानी? भूख नहीं लग रही? घर जाना है या एंजॉय करना है? एंजॉय करना है या घर जाना है? घर जाना है। मज़ा नहीं आ रहा? आ रहा है तो फिर तो मज़ा आएगा आपको। यहाँ बैठी रहिए, एंजॉय कीजिए, खाइए पिए, घूमिए फिरिए और मौज मस्ती कीजिए। स्कूल का जो है प्रोग्राम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब पेरेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, तो हम पेरेंट्स से बात करेंगे और इनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे ये भाई इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बॉस साहब? अब्दुल अलीम। अब्दुल अलीम भाई आपकी रिहाइश कहाँ की है? यहाँ पे एल ब्लॉक। एल ब्लॉक। तो ये जो स्कूल आज जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की जो एक्टिविटी है ये होनी चाहिए और इसमें क्या आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, माशाल्लाह ये होनी चाहिए बच्चों के जहाँ जहाँ पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक सरगर्मियाँ, मतलब एक पर्सनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि साल के अंदर दो बार होनी चाहिए। बहुत अच्छा मतलब एकदम है स्कूल वालों का। तो इस स्कूल से आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पे क्या आपको मतलब बेहतर करने की ज़रूरत है या आप मुतमईन हैं स्कूल के मैनेजमेंट से और ये जो प्रोग्राम की मैनेजमेंट है, क्या है आपकी राय इस पर? नहीं नहीं, मैनेजमेंट के हवाले से तो मुतमईन है, लेकिन दिन ब दिन जो है ना जितना बेहतर से बेहतर हो वो करना चाहिए। जी, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा हर चीज़ में रहती है, वो करते रहना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप मुतमईन हैं? अलहमदुलिल्लाह। और आपके जो बच्चे हैं वो कौन सी क्लास में? आप लेवल 2 के अंदर है और क्लास 4 के अंदर है ना। माशाल्लाह दो बच्चे पढ़ते हैं? दो बच्चे माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, बस बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, हमारे साथ एक बड़े ज़िम्मेदार भाई जो वैन वाले हैं, बच्चों को ये ज़िम्मेदारी के साथ लेकर आते हैं और ज़िम्मेदारी के साथ घर पहुंचाते हैं। ये एक बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम होता है, तो हम इनसे भी बात करेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बोसा? मोहम्मद आरिफ कहते हैं मुझे। अरे भाई, आपका जो वैन है, आपके वैन में कितने बच्चे आप उसमें बैठाते हैं और लेकर आते हैं और लेके जाते हैं? है माशाल्लाह 15-16 बच्चे हैं माशाल्लाह हमारे पास में। तो ये बताइए कितनी ज़िम्मेदारी का काम होता है? बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है, बहुत ज़्यादा ही ज़िम्मेदारी का काम होता है भाई। ये सुबह आप इस वक्त पर आप अच्छा कैसे मैनेज करते हैं? सुबह एक ही टाइम है स्कूल का, तो आप मुख्तलिफ इलाकों से जो बच्चे को घर से लेते हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं टाइम को? ये हमारे तो बहुत टफ का टाइम होता है बिल्कुल काम करने का, तो जिसकी वजह से मतलब ये है कि हम मतलब ज़्यादा बच्चे को मतलब टाइम टू टाइम हमें छोड़ना पड़ता है स्कूल। ये बात है कि हमें पेरेंट्स को भी मतलब ये कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को इस टाइम पर तैयार रखें, ताकि बच्चे को वो टाइम पर तैयार रखते हैं, ताकि मैं उनके पास में सही टाइम पर पहुँचता हूँ। जाहिर सी बात है, जब मैं काम सही करता हूँ तो पेरेंट्स भी काम अपना सही करते हैं। खाली मेरे ऊपर तो नहीं है, तो पेरेंट्स के ऊपर भी ये होता है, डिपेंड करता है। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो क्या लगता है आपको, परेशानी होती है, आपको आदत हो गई है, आप इंजॉय कर? बस ये समझे कि ये एक आदत हो गई है। परेशानी क्या मतलब, काम कोई भी बंदा करता करता करते एक्सपीरियंस हो ही जाता है उसमें। कितने साल से काम कर रहे हैं? माशाल्लाह मैं इसमें एक टाइम हो गया माशाल्लाह 15 साल का हो गया माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर में। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। बस ओके, अल्लाह।